तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक लवीज। तो गाइस, आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। दिस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, यानी किस किस कारणों से इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करता है। फुल डिटेल देने में साथ में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है या आ चुकी है आपके अकाउंट में, तो इसे इस वीडियो को फुल्ली वॉच कर लेना, आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। अगर आप वॉच बिल्कुल स्किप भी करके देखेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा आपके, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत मेन होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये वी सस्पेंड योर अकाउंट आ रहा है आपको प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो किसी कारण, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर सो रहा हो या इंस्टाग्राम, या आप वीडियो देख के नहीं कर पाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके किन कारणों से ये प्रॉब्लम आती है, कुछ कारण बताऊँगा वो आपको ध्यान से सुन लेने। तो सबसे पहले तो आपको वी सस्पेंड योर अकाउंट क्यों आता है, मेन रीजन जो कि ज़्यादा निकल के आ रहा है मेरे कानों से, कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोरी सेवर, जी हाँ, स्टोरी सेवर ऐप यूज़ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोरी डाउनलोड करने के लिए वो स्टोरी सेवर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बस उन्हें पता नहीं रहता है कि स्टोरी सेवर क्या करता है अकाउंट का। देखिए, आप स्टोरी सेवर यहाँ पे सर्च करते हैं, बहुत सारे स्टोरी सेवर आपको मिल जाएंगे। तो इनसे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, इनमें अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं। देन जैसे ही आप शेयर करते हैं, तो जैसे ही वो इंस्टाग्राम को जैसे ही आप शेयर करेंगे, जब तो आपको कुछ नहीं हुआ, आपके फ्रेंड भी शेयर करते होंगे, उनकी आईडी को कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि इसने पासवर्ड शेयर किया है किसी अनदर ऐप के साथ, ये लोग ऐप क्या करते हैं कि ये लोग किसी के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, जहाँ ये लोग पैसे ले लेते हैं और फिर किसी के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपकी आईडी से ऑटोमेटिक फॉलो कर देते हैं, लाइक कर देते हैं किसी की पोस्ट, तो इससे कि इनको भी फायदा हो जाता है। तो इंस्टाग्राम को जैसे ही पता चलता है तो वो आपकी आईडी में ये सस्पेंड डाल देता है कि आप फिर से वेरिफिकेशन करिए इसका नंबर डाल के। तो इसलिए पहली इस कारणों से प्रॉब्लम आती है। और दूसरी क्या है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेंगे वो फॉलोअर्स वाले ऐप, पर आपको यहाँ पर और भी ऐप मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से रिलेटेड। तो वो आप क्या करते हैं, और कोई थर्ड पार्टी या गूगल से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं फॉलोअर्स के ग्रोथ करने के लिए। फिर आप क्या करते हैं, उसमें अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, देन आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, फिर वो भी यही करते हैं कि आपकी आईडी का यूज़ करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम में यही आती है कि आप आईडी पासवर्ड कहीं पर शेयर कर रहे हैं, तो यही कारण से आ रही है। तो पहला तो होगा कि आप स्टोरी सेवर ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आप किसी फॉलोअर्स ऐप बढ़ाने के लिए आप आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं। आपको आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना है, आप वैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं यूज़र नेम देके, तो आप बढ़ा सकते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम पर कुछ करते हैं गलत, यानी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ करते हैं। कुछ लोग के तो वो तो परमानेंट बैन हो जाते हैं, वो तो इंस्टाग्राम में पहले सस्पेंड आता फिर परमानेंट बैन हो जाते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ करेंगे, यानी कुछ गलत वीडियो डालेंगे या गलत मैसेज पर भी अगर गलत वीडियो सेंड करेंगे तो भी आपका बैन हो जाएगा अकाउंट, या आप कहीं पर गाली माली देंगे या इंस्टाग्राम पर, तो आपको बैन नहीं होता है बुरा गाली, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो बहुत लोग मैसेज में भी देते हैं, तो उससे बैन नहीं होता। आप गलत पोस्ट करेंगे या गलत डीपी लगाएंगे या गलत फोटो डालेंगे, यानी कुछ गलत पोस्ट फोटो या वीडियो कुछ भी गलत करेंगे तो हो जाता है इस तीसरे कारण की वजह से। और चौथा कारण होता है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है या पेज है, आप उसमें कुछ बिजनेस के रिलेटेड, यानी कि पैसे के रिलेटेड आप उससे अर्निंग करते हैं, यानी कि तो वहाँ पे आपको तो भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप किसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं और वो वहाँ से रिपोर्ट डाल देगा और इंस्टाग्राम को पता चलेगा ये अकाउंट फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, कि आपने कहीं से उसके पैसे ले लिए, ये वो कर लिए, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। तो ये चार कारणों के हिसाब से सस्पेंड होता है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इनमें से कौन सा यूज़ करते थे, स्टोरी सेवर या फॉलोअर्स के ग्रोथ बढ़ाने के लिए, या आप या आपका बिजनेस पेज, या आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई वीडियो अपलोड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, या आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।